विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में कारगर बनाता है। इसके साथ ही ये आपकी स्किन और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा होता है। तो विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके अंदर विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। बादाम विटामिन ई का बेहद ही अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो आपको लगभग 25 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। आप नाश्ते में सीरियल्स के साथ भी बादाम खा सकते हैं और उन्हें भूनकर स्नैक्स के तौर पर भी खाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप बादाम का दूध भी पी सकते हैं जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में मदद करता है। अलग अलग तरह के पोषक तत्वों से भरे सूरजमुखी के बीज आपके पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। आप सूरजमुखी के बीजों को दही, दलिया या सलाद पर छिड़क कर खा सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम सूरजमुखी के बीजों का सेवन करते हैं तो उसमें आपको लगभग 35 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होती हैं, जिनमें से एक है पालक। पालक में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, खासकर इसमें भारी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। 100 ग्राम पालक में लगभग 2 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। ब्रोकली प्रोटीन का शानदार सोर्स है और साथ ही ये विटामिन ई से भी भरपूर होता है। ब्रोकली हमारे शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को भी कम करता है। इसे आप सूप या सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। उबली हुई ब्रोकली हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए लाभकारी है। अगर ब्रोकली को कम तापमान पर पकाया जाए तो इसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए इन चीजों का सेवन जरूर करें और अपने आप को हेल्दी और फिट रखें।